नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया, मैं हूं अनुपम सिंह। दशकों से डायलिसिस की राह तक रहे मरीजों के लिए 9 माह पहले सीतापुर के जिला अस्पताल में शुरू की गई सुविधा कमाई का जरिया बन गई है। इस सुविधा ने मरीजों को बड़ी राहत दी थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कमाई के चक्कर में जिम्मेदार सरकार को ही चूना लगा रहे हैं। कमाई के इस खेल का आरोप किसी और पर नहीं, डायलिसिस यूनिट के मैनेजर पर ही लग रहा है। जी हाँ, सुनकर चौंकिए नहीं, यह शीशे की तरह साफ वह स्याह हकीकत आप आइंडिया पर देख रहे हैं, जिसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि यूनिट के टेक्नीशियन ने खुद किया है। इस खुलासे के बाद जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी होने के बाद जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर RK सिंह भी हैरान रह गए हैं। अवैध रूप से मरीजों से की जा रही इस कमाई के खेल को उजागर करने वाले टेक्नीशियन ने बतौर साक्ष्य बिलिंग के साथ मामले को जिम्मेदारों के सामने पेश किया है। उसने DM अनुज सिंह से भी इस मामले की शिकायत की है। औसतन एक दिन में 10 से 11 मरीजों की डायलिसिस होती है, लेकिन आलम देखिए, कागजों पर एक दिन में 18-18 डायलिसिस कर दी जाती है। एक डायलिसिस के लिए सरकार की ओर से 1400 से 1500 रुपये कंपनी को दिए जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऐसा खेल करके महीनों में कितने लाख का चूना लगाया जा रहा है। कानून की बात करें तो ऐसा करना IPC के तहत ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। आइए इस पूरे खेल के तरीके से रूबरू कराने से पहले हम आपको शिकायतकर्ता डायलिसिस टेक्नीशियन मोहम्मद सालकीन की आइंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं, जो उसने हमारे कैमरे पर आकर कही। पहले आप टेक्नीशियन की बात सुनिए, फिर हम आपको आगे इस पूरे खेल की कहानी समझाते हैं। सीतापुर जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में अब बिलों का फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत वहीं के एक कर्मचारी ने जिलाधिकारी और CMS से की है। और वो जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि डायलिसिस यूनिट में किस तरीके का उनके मुताबिक खेल चल रहा था, क्या है उनके पास सबूत, और जब वो अधिकारियों के पास पहुंचे तो वहां से क्या मिला है उन्हें आश्वासन। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शालकीन है। मैं एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था DC कंपनी जिला सीतापुर में। मेरे यूनिट में एक्चुअल डेटा जो डायलिसिस का रहता है, जो पेशेंट अवेलेबल आते हैं यहाँ पे, उनका करीब रेशियो रहता है किसी दिन 10 तो किसी दिन 9 तो किसी दिन 10 11 ऐसे करके। लेकिन बिलिंग जो होती है, जो रजिस्टर मेन बनाया जाता है, उसमें 18-17 दिखाया जाता है। तो इसको लेकर के हमने DM साहब से शिकायत की और आज हम लोग CMS साहब के पास भी आए हुए हैं। जी, तो जब CMS साहब के पास गए तो उनके स्तर से क्या कहा गया? CMS साहब ने आश्वासन किया है कि जो है हम इस कंपनी के खिलाफ और यूनिट में जो हो रहे फर्जी बिलिंग के खिलाफ हम जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और टीम बना के हम इसकी जांच करेंगे। और टीम बनाने के बाद जो जाँच करेंगे उसके उपरांत यदि फर्जी बिलिंग का सबूत हमें मिलेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपके पास सबूत क्या है? हमारे पास एक्चुअल डेटा है जो डायलिसिस का वहाँ पे होता है, जो पेशेंट आते हैं, जो डायलिसिस पर डे करवाते थे, वो डेटा हमारे पास है, और जो बिलिंग होती थी उसकी भी कॉपी हमारे पास है। जी, तो ये दस्तावेज ये बताते हैं कि प्रतिदिन औसत आप कर्मचारी वहाँ रहे, कितना डायलिसिस होती थी, कितनी संख्या में, और कितने का बिल बनता था? एक्चुअल डेटा मंथली का देखा जाए तो 270 से 280 ज़्यादा था, पर जो रजिस्टर बनाया जाता है वहाँ पे फर्जी बिलिंग का, उसमें 480 485 487 ऐसे दिखाया जाता है। नवंबर माह में डायलिसिस में जो यूनिट है वहाँ पर आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट से, और जो 5 दिन तक डायलिसिस यूनिट बंद भी रही थी, उस दौरान के भी बिलिंग है? हाँ, उस दौरान की भी बिलिंग है। 14 से करीब 20 तक यूनिट बंद रही थी, 15 से 5 दिन यूनिट बंद रही थी, उसके उपरांत भी जो है उन दिनों की भी जो है बिलिंग हुई है, ये रजिस्टर में जो है नामांकन है उसका बिलिंग कुछ का। ऐसे मरीज हैं जो आपकी जानकारी में हों और जो जिनका डायलिसिस ना हुआ हो और डायलिसिस रिकॉर्ड में दिखा दिया गया हो कि इनकी भी डायलिसिस की गई है? बहुत से ऐसे मरीज हैं जो वीकली देखा जाए तो 2 करवाते हैं, लेकिन उसका रजिस्टर में बिलिंग जो होती है उनकी 3 ही होती है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो वीकली 1 करवाते हैं किसी कारणवश ना आने के पर, तो उनका भी 3 दिखाया जाता है,
और कुछ ऐसे मरीज हैं जो पहले यहाँ एक दो मंथ पहले डायलिसिस करवाते थे, जो रजिस्टर्ड हैं इसमें, इस कंपनी में, उनकी जो है बिलिंग अभी भी हो रही है। दो चार मरीज ऐसे हैं जो यहाँ डायलिसिस नहीं हो रही है, उसके उपरांत भी यहाँ पे बिलिंग अभी भी हो रही है। नाम जान सकते हैं? जी, एक पेशेंट है सालू राज, तो एक महीने के करीब हो गया है वो, उनका ट्रांसप्लांट होना था, वो लखनऊ में कहीं डायलिसिस करवा रही हैं, उनकी अभी भी बिलिंग हो रही है। पीयूष अवस्थी नाम का एक पेशेंट है जो करीब 15-20 दिन हो गए हैं वो भी लखनऊ में ही करवा रहे हैं, शायद PGI में, उनकी अभी भी यहाँ बिलिंग हो रही है। और दो चार ऐसे मरीज हैं जैसे कि मोनिश खान है एक पेशेंट, जो हेपेटाइटिस सी मशीन पे होती है उनकी डायलिसिस, वो वीकली एक ही बार आते हैं लेकिन उनकी 3 डायलिसिस चढ़ाई जाती हैं। एक इस्लामुद्दीन पेशेंट हैं, वो भी वीकली एक ही बार आते हैं, उनकी भी डायलिसिस जो है रेशियो में 3 बार दिखाई जाती है। राम मिलन करके एक पेशेंट है, वो कभी आते हैं तो कभी नहीं आते हैं, वीक में कभी आते हैं कभी 10 दिनों में आते हैं, फिर भी उनकी बिलिंग बराबर उस पर रजिस्टर पर रजिस्टर्ड की जाती है। तो देखिए, सीतापुर की डायलिसिस यूनिट जो जिला अस्पताल में केंद्रित है, उसमें किस तरीके से फर्जीवाड़े से बिल बनाए जा रहे थे, इसकी शिकायत वहाँ के ही एक कर्मचारी द्वारा की गई है। काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, चूँकि इस डायलिसिस यूनिट को DCDC कंपनी है वो संचालित करती है, और मामला जिला अधिकारी अनुज सिंह और जिला अस्पताल के CMS RK सिंह तक पहुंच चुका है। शिकायतकर्ता उनके सामने खुद पेश होकर तमाम दस्तावेजों, तमाम साक्ष्यों के साथ शिकायत की गई है। तो ऐसे में CMS ने भी आश्वासन दिया है कि ये एक समिति गठित कर और इसके बाद अगर दोषी होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इस फर्जीवाड़े को जो वहाँ के ही एक कर्मचारी ने उजागर किया है, इस पर जिम्मेदारों का एक्शन कब तक होता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू चौहान और हसन गोगा के साथ पंकज सिंगौर। तो आपने शिकायतकर्ता मोहम्मद सालकीन के खुलासे को सुना, जिसमें वह साफ साफ बता रहा है कैसे इस पूरे खेल को खेला जा रहा था, कैसे यह पूरा खेल चलता था। इस मामले में चौंकाने वाली एक बात और सामने आई है। आपको याद होगा कि नवंबर माह में जिला अस्पताल स्थित डायलिसिस यूनिट में एक आग लग गई थी। इससे 14 से 20 नवंबर तक यूनिट बंद रही थी। इस अवधि में भी यहां के जिम्मेदारों ने मरीजों की कागजों पर डायलिसिस कर दी। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल में मरीजों के नाम पर किस कदर लूट मची है। ऐसा तब है जब योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्टाचार करने वालों पर बुलडोजर चला रही है। योगी सरकार के मंत्री व स्वास्थ्य विभाग का विभाग संभालने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों के औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी राजधानी से महज 90 किलोमीटर की दूर पर स्थित सीतापुर जिले में किस कदर इलाज के नाम पर करप्शन की डायलिसिस चलाई जा रही है, ये मामला महज एक वानगी है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी इस मामले को संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। वैसे मंत्री जी की कार्यशैली को देखकर तो यही लगता है कि वह जरूर इस मामले में एक्शन लेंगे, क्योंकि अक्सर वह अपने ट्विटर हैंडल से कार्रवाई का मैसेज देते हैं। अब जब मामला उनकी अपनी ही सरकार के राजस्व को चुना लगाने का है तो क्या वह भला चुप बैठेंगे? जवाब तो शायद ना ही होगा। अगर वह कार्रवाई करते हैं तो यूपी में ऐसी पहली बड़ी कार्रवाई भी होगी जिस कंपनी की ओर से गड़बड़ियां की जा रही हैं। पूरे प्रदेश के 14 जिलों में उसकी डायलिसिस यूनिट संचालित हैं। सीतापुर में इस यूनिट के मैनेजर की जिम्मेदारी प्रफुल्ल मिश्रा के पास है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इस मामले में जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर RK सिंह ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। कहा है कि अभी तक ऐसा मामला सामने नहीं आया था, इसमें जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुने क्या कहा CMS ने। ये शिकायत मेरे संज्ञान में आई है ये, और इसको मैं देखता हूँ, इसको हम लोग अपना एक टीम बना के हम लोग इसकी जांच कराएंगे और ये सत्यता में देखेंगे कि वाकई जिन मरीजों का रिपोर्टिंग हो रही है उनकी डायलिसिस हुई कि नहीं हुई है, और अगर इसमें कोई भी अनियमितता पाई गई तो उसमें हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए शासन को जरूर पत्र लिखेंगे। ये बिल्कुल कहना ठीक है, मुझे भी इन्होंने प्रपत्र दिखाया है ये, मैं पिछले 2 महीने का पूरा उनका रिकॉर्ड मंगा के मैं चेक करता हूँ, अगर जरा भी इसमें कहीं भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी तो इनकी कंपनी को मिशन निदेशक को तत्काल हम लोग पत्र लिखेंगे और जरूरत पड़ेगा तो इनके लाइसेंस निरस्त करने की भी संस्तुति करेंगे। DDC कंपनी है, दिल्ली की ये कंपनी चला रही है, ये पूरी हमारी यूपी में करीब 14 जिलों में इनकी यूनिट चल रही है और पिछले साल इनका अप्रैल में यहाँ पर उद्घाटन हुआ था तब से ये काम कर रहे हैं ये,
और अभी तक इस तरह की शिकायत आया नहीं। अगर शिकायत है तो बहुत ही गंभीर प्रकरण का है ये, और इस पर हम लोग गंभीरता से इसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई जरूर करेंगे। इस खेल का बड़ा खुलासा करने के साथ ही हमने मरीजों से भी बात की तो वह भी इस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। मरीजों का कहना है कि डायलिसिस यूनिट में जांच नहीं कराई जाती, बाहर से कराने का दबाव बनाया जाता है, हम लोग मजबूर हैं, करें तो क्या। सुनिए मरीजों ने कैमरे पर क्या कहा। दो बार हफ्ते में। कहां से आप आती हैं? कमलापुर से। जांच वांच दवाई वही का क्या है यहां पे? कुछ नहीं है यहां मिलता, कुछ नहीं है। क्या? दवाई बाहर से लाना पड़ता है। जांच वांच? जांच भी बाहर से करवाना है, तो बोलते हैं बाहर से करवा के लाओ। कौन कहता है? मैनेजर कहते हैं। जब अंदर करवा लेती हैं तो क्या होता है? तब उसको मानते नहीं है। क्या कहते हैं? कहते दूसरी करवा के लाओ, नहीं डायलिसिस नहीं होगा यहाँ। अभी बोल रहे थे कि जाओ कंप्लेन करो जाके, हम डायलिसिस यहाँ नहीं हो पाएगा। मजबूरी तो है ही है सर, क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं कमाने। कमाने वाला वो है बीमार, हम लोग कहाँ जाएं, मजबूर तो है ही है, जो कहेंगे वो सुनेंगे हम लोग, मजबूरी हमारे सबके सामने है। हमारा नाम सुमन, रमेश भार्गव। ये बताइए आप डायलिसिस यहाँ कब से करवा रहे हैं? ये मई से करा रहे हैं। मई से? हफ्ते में कितनी बार? दो बार। किस किस डेट में? हाँ ये हम शनिवार और बुधवार दो डायलिसिस करा रहे हैं। वो कभी कभी होता है कि दिक्कत ज़्यादा होने लगती है तो कभी डे भी चेंज करा लेते हैं, तो जैसे तीन दिन चार दिन का गैप होता है, वो नहीं हुआ, पानी बढ़ गया तो फिर दिक्कत होने लगती है, तो फिर एक दिन पहले करा लिया। ये होता है बस, मतलब दो ही दो ही लगभग। आपका नाम? जगतपाल वर्मा, अकबरपुर, लहरपुर, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।